देवराज इंद्र के बल की महिमा। हे इंद्र, त्वं बलात् साहसम् ओजस्य अधिजातः। हे देवराज इंद्र, आप बल सामर्थ्य और साहस के कार्य करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। मनुष्यों के स्वामी, आपका रथ उत्तम दृढ़ है और बुद्धिमानों का राजाओं का संवर्धन करने के लिए यत्न करते हैं। बसुनी अस्मै आगमन ही धन हमारे पास आ जाए, यह आशीर्वाद मैं उत्तम रीति से मांगता हूँ। सोमयाग करने वाले यज्ञ में आओ, आप स्वामी हैं, वह आप इस आसन पर बैठे, आप इस आसन पर विराजमान हों। नियम से आपके पात्र दूसरा कोई ले नहीं सकता। हमारी पहली प्रार्थना देवों के पास अलग अलग गई हैं। श्रवश्यानि दुष्टराम श्रवण कृणवत, उन्होंने यश प्राप्त करने के लिए दुस्तर कठिन कर्म किए हैं। जो यज्ञ की नौका पर चढ़ने में समर्थ नहीं हुए, वे पापी ऋण ही ऋण पड़े हैं, एवं दूसरे दुर्बुद्धि वाले नीच ही रहेंगे, जिनके कठिनता से जोड़े जाने वाले घोड़े जोते जाते हैं। प्रकार जो दूसरे हैं, जो दान के लिए आगे होते हैं, जहाँ बहुत भोग प्राप्त करने के कर्म हैं, जिसने कांपते मैदान और पर्वतों को स्थिर किया है, द्यूलोक को रोने वाली बनाया है और अंतरिक्ष को अप्राकृतिक किया है, मिले हुए द्यौ पृथ्वी पृथक स्थिर हैं, बलवर्धक सोम पीकर वह आनंद में स्रोत करता है, इस तेरे अच्छे बनाए अंकुश स्रोत को मैं धारण करता हूँ। हे धनवान इंद्र, जिससे दुख देने वाले दुष्टों को तू दुख देता है, इस स्रोत में तेरा निवास हो। हे इंद्र, सोम सवन में इष्टि में सेवनीय भाग जो है उसे समझ ले। इस सूक्त में नीचे लिखे इंद्र के वर्णन माननीय है। जो स्वयं पालक अपने स्वभाव से त्वरा से कार्य करने वाला है, बलवान है, अपार बड़े सामर्थ्य से सब बलों को अधिक प्रबल करता है। हे मानवों के पालक, तेरा रथ सुदृढ़ और तेरे घोड़े इशारे मात्र से जुड़ जाने वाले हैं। तेरे हाथ में वज्र है। उग्र बलवान साथ आनंद में रहने वाले इंद्र के घोड़े और उग्र वीर वज्रबाहु मनुष्य पालक तीक्ष्ण आनंद बलवान सच्चे साहस वाले इंद्र को हमारे पास ले आओ। धन हमारे पास आ गए, तू स्वामी है, आशीर्वाद उत्तम आशीर्वाद हो। सर्वशान दुष्टराम अकृणवत, यश देने वाले दुष्तर कर्म उन्होंने किए हैं। जो यज्ञ की नौका पर चढ़ नहीं सकते, जो यज्ञ नहीं कर सकते, वे पापी ऋण में ही रहते हैं। जो दान देते हैं, उनको बहुत उपभोग मिलने के कर्म प्राप्त होते हैं। दान देने वाले उपभोग प्राप्त करते हैं। जिसने हिलने वाले पर्वत और मैदान स्थिर किए हैं, पहले भूचाल होते थे, पीछे से भूमि शांत हुई, पर्वत भी स्थिर हुए और द्यूलोक गर्जना करता था, अंतरिक्ष कुपित हुए थे, मिले ध्यावा पृथ्वी को स्तब्ध किया गया, पहले इस सब अस्थिर से पश्चात स्थिर हुए। दुख देने वालों को तू दुख देता है। बड़े सामर्थ्य वाले महाबली इंद्र ने जौ के आटे से मिलाया सोम तीन पात्रों में पिया और वह तृप्त हुआ, जो विष्णु ने अपनी इच्छा के अनुसार निकाला था। बड़ा काम करने के लिए वह इंद्र आनंदित हुआ। बड़े महिमा वाले सच्चे इंद्रदेव को सच्चा सोमदेव प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र के लिए उसके रथ को आगे बढ़ाने वाला बलवर्धक स्त्रोत गाओ। समीप के युद्ध में स्थान बनाने वाला, युद्धों में शत्रुओं को मारने वाला इंद्र हमारा प्रेरक हो। अन्य शत्रुओं के धनुष पर ही डोरियां टूट जाएं। तूने नदियों को बहाया, अहि को मारकर नीचे गिराया। हे देवराज इंद्र, आप शत्रु रहित उत्पन्न हुए हैं। आप सब स्वीकार करने योग्य धन को परिपुष्ट करते हैं। आप तुझको हम आलिंगन कर देते हैं। शत्रुओं के धनुषों की डोरियां टूट जाएं। हमारे सब शत्रु धिया और शत्रु की बुद्धियों का नाश करें। शत्रु पर शस्त्र फेंकने वाला आप हे इंद्र, जो हमें मारना चाहता है, जो तेरा दान वह धन देता है, शत्रुओं की धनुषों की डोरियां टूट जाएं। इस सूक्त में इंद्र के वर्णन माननीय हैं। महि कर्म कर्तव्य स ई ममाद, बड़े कर्म करने के लिए वह आमंत्रित होता है।
अस्मै इंद्राय परो रथम सुश्रुवम अर्चत। इस इंद्र के लिए रथ आगे बढ़े ऐसा स्त्रोत गाओ। समीप के युद्ध में वह हमारे लिए स्थान बना देता है, युद्धों में शत्रुओं को वह मारता है। हमारे वह प्रेरक हैं, अच्छे कर्म की प्रेरणा वह देते हैं। अन्य केशाम धन वसु अधि ज्यासा नभंताम, शत्रुओं के धनुषों पर ही डोरियां टूट जाएं, शत्रु को नीचे गिराकर मारा जाए। इंद्र शत्रु रहित तो हुआ है, सब स्वीकारने योग्य धन को बढ़ाता है। विप्रह हमारे सब शत्रु तथा शत्रुता करने वाली सब बुद्धियां विनष्ट हो जाएं। शत्रु पर शस्त्र फेंकने वाले हों, जो हमें मारता है उसका नाश कर। तेरा दान धन देता है, इस तीव्र रस को पी। सारे रथों के घोड़े यहाँ छोड़ हे इंद्र। त्वाम माम निरीममन, दूसरे यजमान तुझे न रममाण करें। इमे सुतासह तुभ्यम, ये रस तेरे लिए हैं, तेरे लिए सोम रस तैयार किए गए हैं, तेरे लिए ही आगे रस निकालने हैं। शीघ्रता करने वाली हमारी स्तुतियाँ हमें बुलाती हैं, और हे इंद्र इन सब को आप स्वीकार करें। सबका ज्ञानी, सबका सोम पीने वाले, जो देव भक्त उस ताम मनसा सर्व हृदय अभिलाषा वाले मन से और सब हृदय के भाव से पराभक्ता इंद्र उसकी गौ को दूर नहीं करता, और इसके लिए सब कुछ उत्तम प्रशंसनीय और सुंदर बनाता है। वह इस इंद्र के लिए अनुकूल हो जाता है। रे धान न सोमम सुनोते, जो इसके लिए धनवान के समान सोमरस निकालता है। इंद्र अपने हाथों में उसको धारण करता है, आज्ञा के बिना ही ब्रह्म दोषियों को मारता है। घोड़ों और गौं को चाहने वाले और वह चाहने वाले हम त्वा आप गंतव्य तेरे पास जाने के लिए तुझे बुलाते हैं, तुझे नई उत्तम मति में सुशोभित करते हैं। हे इंद्र तुझे सुख से बुलाते हैं। राक्षसों को मारने वाला अग्नि ब्रह्मणाम संविदान हमारे स्त्रोत से मिलकर दुर्ममाम दुर्णमा रोग तेरे लिए गर्भ योनि में है, यहाँ से उसकी निकाल दें। जो दुष्ट नाम वाला रोग गर्भ में तथा योनि में रहता है, अग्नि स्त्रोत के साथ मिलकर उस मांस वक्षक रोग को दूर करें। जो तेरे प्रवेश करते हुए गर्भ को मारता है, जो स्थिर रहे, जो हिल के हुए, जो जिज्ञान से तेरे ऊपर उत्पन्न हुए मारता है, उसको यहाँ से नष्ट करते हैं। जो तेरे उर्वों को अलग अलग करता है, दंपत्ति के मध्य में लेटता है, योनि को अंदर से कष्ट देता है, उसको यहाँ से नाश करते हैं। जो तुझे भाई या पति होकर, जो जार बनकर प्राप्त होता है, जो तेरी संतान को मारना चाहता है, उसको यहाँ से विनष्ट करते हैं। जो तुझे अज्ञान रूप स्वप्न से मोहित करके प्राप्त होता है, जो तेरी प्रजा को मारना चाहता है, उसको यहाँ से विनष्ट करते हैं। देखो अथर्व, हे मन के स्वामी, अरे हट जा, वापस जा, दूर चला जा। दूर जाकर नैऋत्य से कह के जीते हुए मन का बहुत प्रकार का है। यहाँ कल रस पिलाया और उसके लिए आज मन से रस निचोड़ कर लाया हूँ। निश्चय से स्त्रोत से उसको भूषित करो। भेड़ों को मारने वाले भेड़ियों के समान इसका निवारक भी अपने मार्गों में अपने आप को सजाता है। हे इंद्र, वह तू हमारे इस यज्ञ का सेवन करने की इच्छा से आ। कौन सा भला इस इंद्र का वीर कर्म किया हुआ नहीं है, जिस सुश्राव्य स्त्रोत से वह विख्यात नहीं हुआ है। व्रत का मारने वाला इंद्र जन्म से ही विख्यात है। धन के लाभ के इच्छुक स्तोता हम तुझे बुलाते हैं। हे इंद्र तू उत्तम स्वामी को घेरने वाले घोड़ों को स्वीकार कर। शत्रुओं के होने पर वीर तुझको पुरुष घुड़दौल की सीमाओं बुलाते हैं। हे आश्चर्यमय वज्र हाथ में लेने वाले इंद्र, हे वज्र धारण करने वाले, अपनी धर्षण शक्ति से बड़ा स्तुति किया हुआ वह तू हमारे लिए गौ घोड़ा रथ में जोतने योग्य सदा दे। विजयी वीर के लिए जैसा धन मिलता है, स्तोता धन की इच्छा करने वाले होते हैं। वल अन्न धन ऐश्वर्य घेरने वाले शत्रु का घेरा पड़ने पर सहायतार्थ हमें बुलाते हैं, क्योंकि तू उत्तम पालन करने वाला है। वीर पुरुष तुझ उत्तम पालकों को घुड़दौल की सीमा में बुलाते हैं, क्योंकि तुम्हारे घोड़े अच्छे होते हैं, घुड़दौल में प्रथम स्थान में आएंगे। हे विलक्षण शस्त्रधारी वज्र हाथ में लेने वाले इंद्र,
गाम अश्वम रथ्यम सत्रात्वम नासिकरम गौ घोड़ा रथम में जोड़ने योग्य हमें दे दो। विजयी वीर को धन मिलता है, विजय होने वाले पर शत्रुओं पर धन लूटा जाता है, वह विजयी वीर को प्राप्त होता है। वीर विजय मिलने पर शत्रु का धन लूटा करते हैं। मनुष्यों के प्रथम सोम पीने के लिए हे इंद्र तेरी स्तुति स्त्रोत हम गाते हैं। देवराज इंद्र ने यज्ञ में इस सोम रस में हर्ष से अपना वीरता युक्त बल बढ़ाया। आज इसके आस महिमा की पूर्वजों की तरह मनुष्य स्तुति करते हैं। हे गिरवण इंद्र स्तुति के योग्य इंद्र अब तेरे पास हम अपनी बड़ी कामनाएं भेजते हैं। जैसे जल प्रवाहों से जल प्रवाह चलते हैं, यव्याम वानह जैसा नदियों से जल प्रवाह चलता है, उस तरह हे वीर वज्रधारी इंद्र बढ़ने वाले तुझे प्रतिदिन हमारे स्त्रोत बढ़ाते हैं। प्रिय इंद्र देवों के मंत्र समूह हके और घोड़े जुवों वाले रथ में अचन से जुड़ने वाले इंद्र के रथ को खींचने वाले दो घोड़े जीते जाते हैं। इस यज्ञ को उत्तम रीति से करने वाले सब धनों के ज्ञानियों के स्वामी देवों को बुलाने वाले दूत हम चुनते हैं। प्रजाओं के स्वामी हव्य को ले जाने वाले बहुतों को प्रिय अग्रणी अग्नि को हम स्त्रोत पाठों से सदा बुलाते हैं। हे अग्नि प्रकट होते ही तू आसन फैलाने वाली यजमान के लिए देवियों को यहाँ से ले आ। हमारा स्तुति करने योग्य देवों को बुलाने का तू है। यज्ञ को उत्तम रीति से करने वाला सब धनों से ज्ञानों से युक्त धनी ज्ञानी प्रजाओं का पालक बहुतों को प्रिय बनना देवों को यहाँ ले आ। विद्वानों को यहाँ ले आ। कुशल बीज गिशु व्यवहार कुशल सज्जन स्तुति के योग्य नमस्कार करने योग्य अंधकार को दूर करने स्वयं दिखने वाला बलवान अग्नि प्रदीप्त होता है, शक्तिमान अग्नि प्रदीप्त होता है। देवों को ले जाने वाले घोड़े की तरह हवि का ऋत्विजगण उसकी स्तुति करते हैं। हे शक्तिमान अग्नि शक्तिमान करने और बनने वाले त्वा तुम बलवान को हम अधिक प्रकाशमान को प्रदीप्त करते हैं।